assalamu alaikum everyone today we are going to discuss about the electricity chapter aur uh, is wale jo hamare uh, paas uh, video hai iske andar hum types of electricity ke bare mein discuss karenge so there are the two types of electricity ek to hoti hai current electricity and other one is a static electricity इन दोनों को हम detail में discuss करेंगे ठीक है तो ये आपको memory में, में रखना है कि इलेक्ट्रिसिटी की कितनी टाइप्स हैं दो टाइप्स हैं वन इज़ अ करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर वन इज़ अ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वन बाय वन अब हम इसको डिस्कस करेंगे नंबर वन करंट इलेक्ट्रिसिटी करंट इलेक्ट्रिसिटी इज अ वेरी सिंपल फिनोमना जो आप सब इससे फेमिलियर हैं कि करंट का मतलब क्या होता है ठीक है अब ये देखिए ये आपने पोल्स देखे होंगे हमारे एरियाज़ में जगह जगह पर इस तरह के पोल्स जो हैं वो लगे होते हैं ठीक है ये आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी पोल्स होते हैं इसी की मदद से हमारे घर तक इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आती है इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली एक जगह से यानी अगर ये पॉइंट है यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी निकलना शुरू हुई तो ये ट्रैवल करती है वायर्स के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करके जाती है ठीक है ये तो आप सबको पता है कि एक जगह से यानी अगर उसका औरजिनेशन यहाँ से शुरू हो रहा है यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी निकलना शुरू हुई है तो ये आगे तक कहीं जाएगी और डेफिनेटली हमारे घरों तक पहुँचेगी इसी तरह ये भी वायर लगी हुई है ठीक है तो ये वायर से यहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कहीं ट्रेवल करके जा रही होगी ठीक है यहाँ से वो औरजिनेट कर रही होगी यहाँ से निकल कर इसी तरह ये वायर्स हैं तो ये भी कहीं जा रही होंगी इलेक्ट्रिसिटी को लेकर तो इलेक्ट्रिसिटी क्या क्या होती है ये करंट इलेक्ट्रिसिटी वो इलेक्ट्रिसिटी होती है जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है जैसे ये भी वायर है ये भी कहीं इलेक्ट्रिसिटी लेके जा रही होगी ठीक है तो ये पोल्स में से जो इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है दिस इज़ नोन एज़ करंट इलेक्ट्रिसिटी अब करंट इलेक्ट्रिसिटी कैसे मूव करती है यानी अब सवाल ये उठता है कि ये करंट इलेक्ट्रिसिटी फंक्शन कैसे करती है यानी एक वायर से ये वाले कॉर्नर से कहीं और कॉर्नर तक कैसे पहुंच जाती है ये जो मैंने इमेज आपको यहाँ बना के दिखाया है ये एक वायर का इंटरनल स्ट्रक्चर है ठीक है इंटरनल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि उसके अंदरूनी स्ट्रक्चर कि वायर के अंदर क्या हो रहा होता है वायर के अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं ठीक है ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना इसके अंदर ये सारे क्या करते हैं मूवमेंट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह करंट को लेकर जाते हैं ठीक है और फिर क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी इस तरह से फ्लो करके एक जगह से दूसरी जगह जो है वो पहुंच जाती है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिकसिटी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर प्लेस वट इज अ इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन अगर आपने समझना है कि इलेक्ट्रॉन क्या चीज है तो बेटा इसके लिए आपको जो एटम वाली वीडियो है उसको अच्छे से आप डिस्कस देखें उसको डिस्कस करें उसको बुक से एक दफा रीड आउट करें तो आपको पता लगेगा व्हाट इज अ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन मैं आपको रिवाइज करवा दूँ सब एटॉमिक पार्टिकल है ठीक है सब एटॉमिक पार्टिकल जिसके ऊपर क्या चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज ठीक है ये सारे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं इसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ई और ऊपर नेगेटिव का साइन ऐसे इलेक्ट्रॉन को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है सो करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट एंड हाउ इट मूव्स इट मूव्स विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एक जगह से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और दूसरी जगह पे जाके पहुंचते हैं इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाती है ये भी मैं आपको ये एग्जाम्पल कराऊँ दिस इज़ योर बैटरी ठीक है battery, ये बैटरी है जहाँ से आपने करंट अप्लाई करना है करंट इसको एक्टिवेट कर दी है ठीक है अब इसने क्या करना है जैसे ही आपने स्विच ऑन किया इसने फटाफट अपना करंट ये वाले पॉइंट से करंट निकलना शुरू होगा ठीक है और ये यहाँ पे पहुँच जाएगा और जाके ये बल्ब जो है हमारे पास ऑन हो जाएगा तो ये क्या है फ़्लो ऑफ करंट फ्लो ऑफ कैसे पहुंचता है एक जगह से दूसरी जगह करंट जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से दूसरी जगह पे ट्रेवल करते हैं तो हमारे पास करंट एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है तो इस इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट ठीक है ये हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है और ये जो पूरी हम इस स्टोरी के बारे में पढ़ें ये है करंट इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी विच पास फ्रॉम टू अनादर पॉइंट थ्रो दायर मेटल वायर एक मेटल वायर से गुजरते हुए इलेक्ट्रॉन यहाँ से दूसरी जगह पे पहुँच जाते हैं दिस इज नोन एज करंट इलेक्ट्रिसिटी नौ सेकेंड वन सेकेंड वन हम मैंने आपको बताया कि स्टेटिक इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हमारा दूसरा एक टॉपिक है इसके अंदर जो हम electricity, electricity है हम डिस्कस करेंगे स्टेटिक इलेक्ट्रिसिटी करंट इलेक्ट्रिसिटी से डिफरेंट इलेक्ट्रिसिटी है ठीक है कहने तो कहने को तो इलेक्ट्रिसिटी ही है लेकिन स्टैटिक और करंट में बहुत फ़र्क है ठीक है करंट में आपने ये पढ़ा कि वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करके जाता है स्टैटिक में ऐसा नहीं होता तो अब सवाल ये उठता है कि व्हाट इज द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कभी आप देखें आपने स्वीटर्स उतारे हों अपने चेंज कर किए हों जब स्वीटर तो आपके बाल ऐसे खड़े हो जाते हैं ऐसा क्यों होता है कभी आप कारपेट पर बैठे हों और आपको करंट महसूस हो जबकि वहाँ कोई वायर नहीं है कोई ऐसा स्विच नहीं है लेकिन फिर भी आपको कभी ऐसी जगह से करंट फील हुआ है ठीक है या कभी आपके एल्बो कहीं टकरा गई है और आपको अचानक से करंट महसूस हुआ है अब यहाँ तो कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो हाउ यू फील आपको ये इस तरह का शॉक क्यों लगता है एकदम से अचानक से आपको ऐसा क्यों महसूस होता है कि आपको यहाँ से जैसे करंट लग गया ऐसा नहीं है करंट नहीं है वो ठीक है वो एक्चुअली स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है तो उसको वन बाय वन हम डिस्कस करें इसी तरह कभी हम दरवाज़ा खोलने लगे हैं अपने नोब पे हमने हाथ रखा और हमें अचानक से करंट का एहसास हुआ कि शायद यहाँ पे हमें करंट आया है तो ये सब चीज़ें स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहलाती हैं अब इस फिनोमेना को हम और डिस्कस करते हैं फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा वट इज़ द इलेक्ट्रिसिटी सो फट फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ एन एग्जाम्पल इन योर बुक ऑल्सो कि जब आप सर्दियों के दिन में ड्राई वेदर में या ठंड के दिनों में आप अपने जब स्टीचर चेंज करते हैं जब आप स्वेटर उतार रहे होते हैं जब आप उतारते हैं तो फिर आपके बाल थोड़े थोड़े से स्वेटर पे भी चिपक रहे होते हैं ठीक है ऐसा हो रहा था ना उसके साथ ऐसे लग रहा है कि ग्रिप कर रहे हों और थोड़े खड़े भी हो जाते हैं इसकी क्या वजह है इसकी वजह है चार्जेस का चेंज हो जाना अब ये चार्जेस क्या होते हैं चार्जेस मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाएं कि व्हाट इज़ अ चार्ज व्हाट इज अ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है जैसे एक पॉजिटिव चार्ज होता है एक नेगेटिव चार्ज होता है ठीक है तो पॉजिटिव चार्ज हमारे हमेशा दूसरे नेगेटिव को अपनी तरफ खींचते हैं जिस वक्त हम ये स्वीटर रहे होते हैं तो हमारे स्वीटर के ऊपर जो चार्जेस होते हैं और जो हमारे बालों के ऊपर चार्जेस होते हैं वो चेंज हो जाते हैं अब आप ये सोच रहे होंगे कि स्वीटर के ऊपर चार्जेस कहाँ से आए या हमारे हेयर्स के ऊपर चार्जेस कहाँ से आए तो देखिए चार्जेस कहाँ मौजूद होते हैं दुनिया में जितने भी मैटर हैं मैटर कितने किस्म के होते हैं तीन किस्म के मैटर होते हैं सॉलिड लिक्विड और गैस जितनी भी मैटर है दे आर ऑल मेड अप ऑफ एन एटम ये आपने याद किया हुआ ठीक है दे आर ऑल मेड अप ऑफ एन एटम अब जहां जहां पे भी एटम होगा वहां पे उनके सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होंगे जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जैसे कि आप इस वीडियो इस पिक्चर को देखें अब हमारे बाल भी एक मैटर हैं ठीक है थीके? हमारा स्वीटर भी एक मैटर है जब हम ये हम ये देखें ना एटम के बाहर कौन से होते हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अंदर नुकलियस है। नुकलियस के क्या होता है प्रोटोन होते हैं न्यूट्रॉन होते हैं ठीक है ना प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या चार्ज है नेगेटिव देखिए जब ये ऑपोजिट चार्जेस आपने आमने सामने आते तो ये क्या करते हैं अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को ठीक है ये जब आपने टॉपिक समझा है ना इलेक्ट्रिकल चार्जेस वाला उससे आपको इसकी बहुत हेल्प मिलेगी ठीक है उससे आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा ये ऑपोजिट चार्जेस हैं ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करें ठीक है ये नेगेटिव चार्जेस हैं ये दोनों रिपेल करेंगे और ये पॉजिटिव है ये भी दोनों रिपेल करेंगे जब भी सेम चार्जेस सामने आते हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करती हैं रिपेल का मतलब होता है एक दूसरे को दूर धकेलना दूर भेजते हैं एक दूसरे को लेकिन जब ऑपोजिट चार्जेस आते हैं तो वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं हमेशा तो ये देखें कि ये दोनों सेम चार्जेस हैं जैसे मैंने ये बैलूस के ऊपर बनाया कि दोनों बैलूस हैं और इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्जेस पे भी नेगेटिव चार्ज तो ये दूसरे को दोनों को दूसरी तरफ धकेलेंगे यानी एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे इसी तरह अगर आप यहाँ देखें तो ये भी ये पॉजिटिव है है एक नेगेटिव तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे कॉम्बिंग करते हैं बालों में तो ये तब क्या होता है ये आपकी जैसे एक कॉम्ब है ठीक है दिस इज योर योर हेयर्स अब हेयर मैटर है डेफिनेटली उसके ऊपर क्या होंगे ये हेयर की जो आपको पिक्चर है ये दिखाएगी हेयर के ऊपर भी कुछ चार्जेज मौजूद हैं कुछ पॉजिटिव चार्ज हैं कुछ नेगेटिव चार्जेस मौजूद हैं इसी तरह हमारी जो कॉम है कॉम के ऊपर भी कुछ चार्जेस मौजूद हैं कॉम के ऊपर कौन कौन से चार्जेस हैं पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव जब आप हेयर को और कॉम को आपस में मिक्स करते हैं यानी मिलाता मिलाते हैं जब यहाँ पे देखें जब आपने कॉम्बिंग शुरू की अपने बालों में तो हमारे जो चार्जिज होते हैं इसमें पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज वो इम्बेलेंस हो जाते हैं यानी उनका बैलेंस ख़राब हो जाता है ठीक है अब क्या होता है कि एक जगह पे ज्यादा पॉजिटिव आ गए एक जगह पे ज्यादा नेगेटिव चले गए यानी समझे यहाँ नेगेटिव ज्यादा चले गए यहाँ पे पॉजिटिव ज्यादा आ गए तो ऐसे चलता रहता है इसकी मूवमेंट जो है ना इम्बेलेंस हो जाती है इम्बैलेंस का मतलब है बैलेंस बरकरार नहीं रह पाता जैसे कि आप उसने कहा कि बालों के ऊपर ज्यादा आ गया है पॉजिटिव चार्ज ठीक है हमारे बालों ने सारा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा इसके ऊपर आ गया और जो हमारी कॉम थी उसके ऊपर सारे नेगेटिव चार्जेस आ गए तो अब क्या होता है जब आपने ये पढ़ा है ना कि जब भी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में कहीं भी, भी मिलते हैं तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ ठीक है इसीलिए आपकी जब कॉम्ब आप कर रहे हैं और आपकी कॉम्ब आपके बालों के साथ चिपक रही है बार बार या आपके बाल खड़े हो रहे हैं इसकी वजह से खड़े हो रहे हैं क्योंकि वहाँ पर चार्जेस प्रोड्यूस हो रही होती हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से हमारे बालों में ये चीज़ आपको नजर आएगी ठीक है हमारे चार्जेस uh, जो है वो इम्बेलेंस हो जाती हैं उस वक्त और भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं वो देखें लेट्स एक एग्जाम्पल है बैलून को आपने अपने बालों पे अच्छे से रब करना है ठीक है पहले बैलून यानी रब करने से पहले देखें बैलून आपके सर पे जो है बालों के साथ नहीं चिपक रहा होगा लेकिन जब आप बैलून को अच्छे से रब करेंगे तो फिर आपका बैलून जो है आपके बालों को साथ स्टिक होना शुरू हो जाएगा क्योंकि आपके बालों के ऊपर आ गया है पॉजिटिव चार्ज और आपके बैलून के ऊपर है नेगेटिव चार्ज जब भी ऑपोजिट चार्जेस मैंने आपको बताया ना कि ऑपोजिट चार्जेस जब आमने सामने आते हैं तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ ठीक है इसी तरह जब आप स्केल अपने बालों मर बालों पे अच्छे से रब करके उसे पेपर ऊपर चिपकाने की कोशिश करते हैं तो आपके पेपर भी चिपक जाता है क्योंकि वो चार्जेस चेंज होते हैं और हमेशा जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या करते हैं नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं ये दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं एक और एग्ज़ाम्पल है वेन यू आर वॉकिंग ऑन अ कारपेट ये मैं कारपेट की एक एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ जब आप कारपेट पर चल रहे होते हैं तो ये देखें कि आपकी जब फुट ऐसे आपका जब वहाँ पे देखें फुट के ऊपर जैसे नेगेटिव चार्ज है अभी और कारपेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है जैसे ही आपने फुट अपना चेंज किया ये पॉजिटिव चार्ज थे अब दोनों चार्जेस जो है ना वो इम्बेलेंस होना शुरू हो जाते हैं ठीक है यानी कि आपके जो ये पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव हो जाते हैं जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव यानी आपस में जब ये चार्जेस चेंज होना शुरू होते हैं ना जैसे ये इस तरह से तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ना जैसे ये आपके पाँव में नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है अट्रैक्ट करेंगे तो आपको ऐसा कभी फील होगा कारपेट पर चलते हुए कि शायद आपको यहाँ से करंट जो है वो फील हो रहा है हालाँकि वो करंट नहीं होता वो होती है स्टेटिक इलेक्ट्रिसिटी एक मेन स्टेटिक इलेक्ट्रिसिटी की एग्जाम्पल है जो कि मैं आपको बताऊं जो कि हमारे इन्वायरमेंट में होती है दिस इज द थंडरिंग ये जो लाइटनिंग होती है जब बारिश है या बादल गरज रहे होते हैं और आपने देखा होगा अक्सर बिजली आसमान में चमकती है ऐसा क्यों होता है ठीक है और ये होता कैसे हाउ इट प्रोड्यूस हाउ इट टेक्स प्लेस इसके बारे में आपको बता दूँ जो क्लाउड्स होते हैं ना जो स्काई में क्लाउड्स आपको नजर आते हैं क्लाउड्स आपस में एक दूसरे के साथ टकराते हैं ठीक है और इनके दरमियान में हीट प्रोड्यूस होती है हीट प्रोड्यूस होने की वजह से वहाँ पे लाइटनिंग पैदा होती है जब वो आपस में टकराती हैं तो या रब करते हैं एक दूसरे के साथ तो उनके जो चार्जेस हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं जैसे पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव हो जाएगा जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा तो दोनों को एक दूसरे को वो अट्रैक्ट करना शुरू करते हैं एक दूसरे के वो करीब आ जाती हैं और जब वो करीब आते हैं तो उसकी वजह से बिजली चमकती है क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है फिर वहाँ पर चमक पैदा होती है एक बड़ा सा स्पार्क पैदा होता है और लाइटनिंग जो है वो जमीन की तरफ अर्थ की तरफ हमें शो होती है ठीक है जी क्लाउड इन ईयर देखें और क्लाउड जो है उसके ऊपर फिर आप देखें चार्जेस हैं कुछ पॉजिटिव हैं कुछ नेगेटिव हैं। तो ये दोनों इस तरीके से लाइटनिंग होती है इसका थोड़ी सी और डिस्कशन हम नेक्स्ट में भी करते हैं स्लाइड हाउ द लाइटनिंग लाइटनिंग का मतलब क्या है कि आपके पास ये कैसे हो रही है लाइट Light, लाइटनिंग जो है वो कैसे प्रोड्यूस हो रही है सो so, डेफिनेशन अच्छे से आप लोगों ने इसकी याद करनी द इम्बेलेंस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इज नोन एज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ठीक है द ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इज नोन एज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ठीक है यहाँ पे एन जरा एक मिसप्लेस हो गया तो ये हम एन ऐड कर देते हैं यहाँ पे लाइटनिंग के स्पेलिंग आप लोगों ने अच्छे से याद करनी है ठीक है अच्छा जी लाइटनिंग में हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कस कर रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस अब ये देखें ये क्लाउड्स है ना जैसे मेरे पास ये आपस में टकराएंगे आप इन्वायरमेंट में अब लेट्स सपोज इसके ऊपर पहले सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं ठीक है और इसके पास आ जाएंगे नेगेटिव चार्जेस अब ये एक दूसरे के करीब आएंगे जब भी ये हमारे पास ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे के करीब आते हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं जब ये अट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे जब यानी ये रब करेंगे एक दूसरे को टच करेंगे एक दूसरे को तो रब, रब रबिंग करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड के पास चले जाएंगे यानी इस, इस क्लाउड के भी इलेक्ट्रॉन जो हैं इसके पास जाना शुरू हो जाएंगे ठीक है और इसके पास भी ज़ाहरी बात है इलेक्ट्रॉन्स होंगे पहले से और इसके भी इलेक्ट्रॉन जो हैं इसके पास जाना शुरू हो जाएंगे ठीक है तो ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं तो इसकी वजह से ये होता है कि ये पॉजिटिव तो इसके पास पहले से ही है ठीक है कुछ वहाँ से आ गए कुछ यहाँ से आ गए नहीं आपस में शेयरिंग कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन कुछ इधर भेजते हैं कुछ इधर भेजते हैं फिर उसकी वजह से यहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो जाती है दरमेन में हीट प्रोड्यूस होने की वजह से दे गेट सो हॉट यहाँ पे बहुत गर्माइश पैदा होती है बहुत हीट पैदा होती है फिर उसकी वजह से वहाँ पर एक चमक पैदा होती है इट ग्लोव दिस इज द स्पार्क तो इसकी वजह से स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है सो so, मैं दोबारा से एक दफा आपको याद करवा दू बेटा जब हमारे पास क्लाउड आपस में स्ट्राइक करते हैं तो यहाँ इनके दरम्यान में चार्जेस चेंज हो जाते हैं इसने अपने पॉजिटिव नेगेटिव इसको दे देने इलेक्ट्रॉन्स और इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको दे देने दे जब भी आपस में टकराते हैं या रब करते हैं जिसकी वजह से दरमियान में हीट प्रोड्यूस होती है हीट प्रोड्यूस होने की वजह से वहाँ पे एक स्पार्क पैदा होता है स्पार्क से ग्लो पैदा होगा बहुत ज़्यादा वहाँ पे चमक आएगी और दिस इज नोन एज अ लाइटनिंग सो लाइटनिंग इज़ टेक्स प्लेस ड्यू टू द इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे कोई तार नहीं लगी हुई यहाँ पे कोई ऐसा स्विच नहीं लगा हुआ जहाँ से आपको बिजली नजर आएगी या बिजली पैदा होगी बल्कि वो बिजली ऑटोमेटिकली पैदा होती है और वो कैसे पैदा होती है बाय द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ठीक है और हीट भी सो दिस इज़ द लाइटनिंग आई होप यू लर्न वेरी वेल ठीक है अब आप सब समझ आ गए होंगे सो so, अफेज़